हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज हम 2021 के क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एनडीए के पेपर में लोक चैप्टर से पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन बिल्कुल नकली सा है। लोक की वैल्यू 1 कब होती है? जब हम जानते हैं कि यहाँ जो बेस में लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है आपस में बराबर होते हैं, तब हम जानते हैं लोक की वैल्यू 1 होती है। और ये दोनों बराबर कब होते हैं? साइन और कोस की वैल्यू बराबर कब होती है? 45 डिग्री पे। ये सीधा सीधा आपके पास क्वेश्चन था। सी ऑप्शन इसका आंसर है, बिल्कुल नकली सा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन कहता है फैक्टोरियल 100 है तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ऐसा पेपर बार क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी लगा दी कि एन और टू को इंटरचेंज कर दिया तो वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं। उसके बाद बेस में एन रहेगा, यहाँ 3 आ गया। बेस में एन रहेगा, यहाँ 4 आ गया। ऐसे करते 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 बेस में एन रहेगा और यहाँ 100 आ गया। अब लॉग एम प्लस लॉग एन की प्रॉपर्टी से आप देखेंगे कि सब कुछ जो है वो मल्टीप्लाई में आ गया। 2 × 3 × 4 × 5, ऐसे करते करते 100 तक मल्टीप्लाई, जिसको आप लिख सकते हो 100 का फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन के अंदर एन की वैल्यू भी आपको 100 का फैक्टोरियल ही दी गई है। तो अगर जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो लॉग की वैल्यू आप जानते हैं 1 हो जाती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन रहेगा। ये था 2021 के फर्स्ट पेपर का दूसरा क्वेश्चन। और 2022 के पेपर 21 के सेकंड पेपर का एकमात्र क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं इसको सोल्व करके। ये बिल्कुल नकली क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं log 2/log 10। यह सही बात है, इसको मैंने log 2/log 10 लिख दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ log 10/log 2, log 10/log 2 लिख दिया इसको। ये बात भी ठीक है। और यहाँ पर ये एक्स आगे आ जाएगा तो पीछे बचेगा log 10 और यहाँ पर 10 आएगा, इक्वल टू में 2 है। ये 1 होता है, इसको छोड़ दें। log 10 से log 10 कैंसिल, log 2 से log 2 कैंसिल, ये भी 1 बच गया। तो 1 + x = 2 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। तो बी ऑप्शन मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये थे 2021 के सेकंड पेपर के अंदर आया हुआ एक क्वेश्चन और 2021 के फर्स्ट पेपर के 2 क्वेश्चन। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू सभी को। जय हिंद।